हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त एंड योर केमिस्ट्री टीचर अरशद राव वेलकम्स यू माय यूट्यूब चैनल। एंड इन द टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द क्लास 9, मॉलिक्यूलर मास या आणविक द्रव्यमान। क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान, और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास को डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के केस में, तो सभी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। सो अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एज कंपेयर विद दैट ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स टेकन एज 12। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, उसका एवरेज रिलेटिव मास होता है मॉलिक्यूल्स का कार्बन 12 आइसोटॉप के कंपैरिजन में। अगर मैं देसी भाषा में आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं तो भाई, मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ द मासेस ऑफ द ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ द मास। तो इसी को भाई हम क्या कहते हैं, आणविक मास या आणविक द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं पहले एग्जाम्पल ले लेता हूँ भाई आपके ओ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। तो देखते हैं कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कैसे हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन का मास कितना होता है, आपने पढ़ा हुआ है 16 होता है। कितने मॉलिक्यूल हैं, कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के, दो हैं, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल्स टू आ जाएगा भाई 32 यूनिफाइड। ठीक है, ये यूनिफाइड इसकी एक यूनिट होती है, या इसको हम AMU भी कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, नंबर 2 बात कर लेते हैं भाई अब हम H2O की। H2O का अगर मॉलिक्यूलर मास वो कैलकुलेट करने के लिए कहता है, तो देख लीजिए भाई, यहाँ पर मास ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट प्रेजेंट है, मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन, राइट। अब हाइड्रोजन का मास भाई 1 होता है, लेकिन एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन 2 है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से, प्लस ऑक्सीजन का एटम सिंगल एटम है तो 16, ये हो जाएगा भाई 2 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 18 यूनिफाइड, ये आपका हो जाएगा। तो इस तरह से हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से तीसरा एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ले लूँ भाई, सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4, किंग ऑफ द केमिकल, या हाइड्रोजन सल्फेट भी हम इसको कहते हैं। तो देख लीजिए कैसे निकलेगा, यहाँ पर 3 एटम आपको नजर आ रहे होंगे, हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन, तो मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ सल्फर प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, वहाँ पर जगह ना होने की वजह से मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। अब हाइड्रोजन का मास 1 होता है, लेकिन एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हाइड्रोजन के मास को, प्लस सल्फर का सिंगल एटम है तो 32 इसका एटॉमिक मास होता है। ऑक्सीजन की बात करें तो 16 होता है, और 4 ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो 2 प्लस 32 प्लस, ये हो जाएगा भाई आपका 64। आगे फर्दर हम इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, 4 इंटू 6 और 2 8, 6 एंड 3 9, तो 98 यूनिफाइड मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा H2SO4 के केस में। नंबर 5 मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, Al2SO4 का हॉल थ्राइज। ठीक है, ये एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, एज इट इज़ आपको लेके चलना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एल्यूमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो मास ऑफ एल्यूमिनियम एज इट इज़ लिखेंगे, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल्स में देखा, मास ऑफ सल्फर, ठीक है, प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर थर्ड एलिमेंट है। अब आगे चलिए, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है भाई 27, 2 एल्यूमिनियम के एटम प्रेजेंट है, 1 एल्यूमिनियम सल्फेट के अंदर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस सल्फर यहाँ पर 32 इसका मास होता है, लेकिन यहाँ पर सल्फर के एटम 3 है, पूरा का पूरा ब्रैकेट थ्राइस किया हुआ है, तो 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन की बात करें तो 16 मल्टीप्लाई, एक सल्फेट के अंदर 4 ऑक्सीजन होते हैं और 3 सल्फेट है, तो 4 3 12, ये इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पर। तो आगे इनको सॉल्व करते हुए चलेंगे, तो भाई ये आगे आपका 54 यूनिफाइड, प्लस आगे अगर हम बात करें इसकी तो 3 2 6, 3 3 9, प्लस इसी को ऐसे ही करेंगे हम, 16 2 32, 16 में 16, तो प्लस 3 19, इनको सम करेंगे तो 2 एंड 6 8 एंड 4 2, ठीक है, 9 एंड 1 10 एंड 1 19, और 5 4 और 1 एंड 2 3, तो इसका भी बिल्कुल सेम आ जाएगा 342 यूनिफाइड और AMU।
चलिए लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं भाई, सिक्स हम बात करेंगे भाई, कॉपर सल्फेट डॉट पेंटाहाइड्रेट, ब्लू विट्रॉयल भी हम इसको कहते हैं। चलिए लिख देता हूँ, याद रहेगा आपके, ब्लू विट्रॉयल यानी कि नीला थोता इसको कहते हैं, फार्मिंग के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए कैसे निकालेंगे इसका, तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर, मास ऑफ कॉपर, पहले कॉपर प्रेजेंट है, देन मास ऑफ सल्फर, देन मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस मास ऑफ, हम एज इट इज भी ले सकते हैं H2O, पूरा का पूरा ले सकते हैं क्योंकि H2O का आपको पता है कि 18 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। अभी सबसे पहला एग्जांपल हमने ये लिया था, दूसरा एग्जांपल सॉरी, ठीक है। तो आगे देखते हैं भाई, मास ऑफ कॉपर, कॉपर का मास आप लोगों को पता होता है 63.5 होता है, ठीक है। सल्फर का मास 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन की बात करें तो 16 ऑक्सीजन का मास होता है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, प्लस 5 × 18, यहाँ पर 5 वाटर के मॉलिक्यूल है ना, एक मॉलिक्यूल का वेट 18 होता है। तो आगे फर्दर इनको सॉल्व करते हुए चलेंगे तो देख लीजिए, 63.5 + 32 64 16 4 + 64 + 18 5 ये हो जाएगा भाई आपका 90। अब इनको सम कर दीजिए, 0.5 लगा दीजिए आप पहले, तो 4 × 6 × 3 ये आपका हो जाएगा 9, राइट। देन 9 × 6 = 15 × 3 = 18 × 6 = 24, तो ये आ जाएगा 249.5 यूनिफाइड और AMU। तो उम्मीद करता हूँ आपको बेटा कि मॉलिक्यूलर मास या आणविक द्रव्यमान क्या होता है आप समझ गए होंगे, विद डेफिनेशन विद एग्जांपल, और कैसे हम मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर छोड़ता हूँ भाई, आपके लिए मैं क्वेश्चन देता हूँ, K4Fe CN का हॉल हेक्साइज, तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड, आपको मुझे इसको कैलकुलेट करके कमेंट करके बताना है कि भाई पोटेशियम फेरोसाइनाइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। इफ़ यू फाउंड ए वैल्यू इन दिस वीडियो तो लाइक दिस वीडियो विद योर कॉलीग्स एंड विद योर क्लासमेट्स सहपाठी, एंड शेयर दिस वीडियो टू द रिक्वायर और नीडर जिसको भी इसकी ज़रूरत है, और फ्यूचर में आने वाली और दूसरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ this is your host and dost and your chemistry teacher Arshad Dinam taking signing off. Thank you. Have a nice day and bye-bye.